क्यू आती जाती रहा करो. डेजी वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स. डेजी व्हाई यू सो लेजी? इतनी टैलेंटेड हो, कितनी लेट क्यों फिल्मों में आई? वो कहते हैं ना, नसीब से ज्यादा किसको नहीं मिलता. तो शायद अभी लिखा था मेरी डेस्टिनी में एक्टिंग में आना. तो अभी अभी कैसे हुआ मतलब? मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी पहले. अच्छा, और किनके साथ? गणेश आचार्य. अच्छा जी, उनके साथ. तो आगे बढ़ना था, क्या करे. तो मॉडलिंग सोचा, मॉडलिंग ट्राई करते हैं. मॉडलिंग का नेक्स्ट स्टेप एक्टिंग, और सर ने स्पॉट किया और हो गया. तो डेजी कैसे मुलाकात कैसे हुई सलमान जी से? शायद साउथ अफ्रीका में आपने स्पॉट किया था. उसके पहले आप डांसर में भी तो थी, पीछे डांस करती थी आप. गणेश आचार्य जी के पीछे डांस करते थे. किसी ने सही कहा है कि हीरे की परख जो होती है जौहरी को होती है, लेकिन आपको इतनी परख है मतलब गणेश जी के पीछे भी आपको दिख गई. तो हाथी ना दिखे. विद ड्यू रिस्पेक्ट, गणेश आचार्य जी हमारे हिंदुस्तान के एक नामी ग्रामी कोरियोग्राफर हैं, बट बड़े से बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं. भाई आपकी नजरें कहाँ कहाँ घूमती है. और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेरे लविंग. जैसे आपने बड़ी स्ट्रगल किया ये वो, मैंने भी इनकी दिशा निर्देश में एक शो किया. ये जज होते थे, रात को सो जाते थे. सुहेल भाई अभी भी सो रहा है. सुहेल भाई ने जब अपनी पहली फिल्म की थी प्यार किया डरना क्या, धमाल सुपर डुपर हिट फिल्म, इतनी सुपर डुपर फिल्म के डायरेक्टर होने के नाते आपने कभी सोचा था आपको कॉमेडी नाइट्स में आने का मौका मिलेगा? This is the first time I've come for promotion. और मैंने ये भाई को भी कहा था कि जब भी हम यहाँ आएंगे तो मुझे आना है, because मुझे अपने भाई अपने दोस्त कपिल से मिलना था. Love you, Sohail भाई. ये सोहेल भाई का बड़प्पन है और इन्होंने हमेशा ही appreciate किया. इसको करनी चाहिए डेढ़ शाना. ये भाग रहा था ये अभी. भाग रहा था, because I genuinely feel that you know this, ये show पे if you come और अगर आप कुछ contribute नहीं कर सकते क्योंकि आप सो रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जय हो के डायरेक्टर तो है ही हैं, साथ में मेरी अनरिलीज्ड डेब्यू फिल्म के डायरेक्टर भी हैं. बड़ा शोर शराबा हो गया था कि सोहेल भाई कपिल को शेर खान में ले रहे हैं. अच्छा सोहेल भाई, हमारे ना सबके दिलों में एक बात है कि जब आप आपस में फिल्म बनाते हैं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, सलमान भाई उसमें एक्ट कर रहे हैं, तो पैसों का लेन देन मतलब कैसे होता है? कभी ऐसा हुआ कि सलमान भाई पैसे मांगो तो आप कहीं नहीं नहीं मैंने भी तो बचपन में बर्फ का गोला खिलाया था. ऐसे ऐसी बातें होती बचपन का हिसाब किताब आता है. अभी मैं आपको कि हमारी जो पिछली फिल्म थी हेलो ब्रदर थी, तो डैडी ने फिल्म देखी और डैडी बाहर आए और डैडी ने कहा ये दुनिया के सबसे महंगी होम वीडियो होगी. पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं, चाहे अपनी फैमिली मेंबर ही हैं, लेकिन जैसे सलमान भाई को किसी ने साइन करना हो ना तो 4 साल बाद की डेट मिलती है, 3 साल बाद की. तो ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं के साथ ऐसा होता, आप देख लीजिए सगे भाई को भी पहुंचने में हेलो ब्रदर के बाद कितने साल बाद. मैं आपको एक हालत बताता, जब मेरा टर्न था और भाई ने कहा कि अब हम फिल्म साथ में करेंगे, लेकिन कुछ अच्छी चीज मिल नहीं रही थी. तो बहुत स्क्रिप्ट सुनी और फिर शेर खान ऑल्सो वेंट अंडर प्रोडक्शन, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू मेक. बलि बकरे की ही चढ़ती है. इन्होंने स्क्रिप्ट में टाइम लगा दिया, हर बात ने दो बना दी. तो फिर मैंने खुद कहा कि भाई कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है तो काम कीजिए आप साजिद भाई की फिल्म शुरू कर दीजिए, एंड वी विल गेट समथिंग नाइस एंड वी विल स्टार्ट. एक दिन भाई का मैसेज आया, गॉट इट. तो मेरे दिमाग में यह था कि आप वीजा मिला है, बेल मिला है क्या? कितनी चीज हमारी फैमिली में होती है, तो क्या गॉट इट मींस व्हाट? आई वेंट टू मीट हिम, गॉट व्हाट भाई, गॉट व्हाट? ही सेड यार एक अच्छी कहानी में मिल गई है, एंड यू सी स्टालिन, एंड देन वी सॉ स्टालिन एंड वी गॉट द आइडिया फॉर द बेल मिला. ये बड़ी सही बात कही सोहेल भाई ने कि जब आपस में काम करेंगे साथ में मिलके तो कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आप किसी और के साथ करते हो ना तो कल को कुछ खराब हो जाए तो आप दूसरे पे इल्जाम भी डाल सकते हो. यहाँ तो आप डाल भी नहीं सकते.
तो सोहेल भाई, कभी ऐसा भी हुआ कि आप सलमान भाई के पास फिल्म का प्रोजेक्ट लेके गए हो और उन्होंने 50-60 करोड़ मांग लिया और आपने पापा से बोल के कम करवाया उसका? I believe in one thing that पैसा घर पे है. कोई भी लेके आए, कोई भी लेके आए, पैसा तो घर पे ही है. So that's one thing I don't get into and actually all our brothers. घर में पैसे आ गए, that's more than important. पैसे भी यहाँ पे और यहाँ पे वहाँ पे नहीं है. पैसे भी खान साहब के साथ ही है, टाइगर के पास ही है, डैड के पास ही है पैसे. डैडी को 1,000 रुपए मिलेंगे क्यों? अभी हम बहुत सालों के बाद हम 1,00,000 रुपए में. डैडी वो उधर थोड़ा सा इधर 4 दे दीजिए. अबे 3-4 हज़ार का करोगे क्या तुम? लाख सही. बट क्योंकि हमारे जो माँ बाप है वो तो इतना स्ट्रगल किया पाजी उन्होंने भी अपनी लाइफ में, तो उनको यही लगता है कि बच्चे इतने पैसे खर्च के क्या करेंगे. और उनको थोड़ी ना पता बच्चे अब सलमान खान है, सोहेल खान है. बात मेरे कजिन है जो डैड के भाई के बच्चे हैं, मेरी उम्र में ग्रैंडफादर बन गए. उनका अपना स्टैमिना. तो सलमान भाई, सोहेल भाई, प्लीज आप यहाँ पे विराजमान होइए. डेजी, थैंक यू सो मच भाई, आज आप आए हो ना. एक चीज अच्छी हुई है, मेरी दादी अगर आ भी जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि आज उसने मौन व्रत रखा है. दादी, अब तक तुम मुर्गे चुराती थी, तोते चुराने भी शुरू कर दिए तूने. मौन व्रत है आज. बेवकूफ है दादी, तुम पूछ रही ये कौन है? सारी दुनिया जानती कौन है. हाँ, इनकी फिल्म. हाँ, इनकी फिल्म दरवाजा खोल के देखनी चाहिए. इनकी फिल्म, हाँ, ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग. हाँ, तेरा दिमाग खराब है. इनकी फिल्म कभी ठुस होती नहीं, ओपनिंग इन्हीं की तो होती है. इनकी फिल्म की ओपनिंग ओपनिंग सीधा नहीं बोल सकते थे. इनकी फिल्म की ओपनिंग बड़ी धमाकेदार होती है. तोड़ दिया तूने व्रत. हाँ, अब क्या होएगा? क्या होएगा क्या? मैंने ये व्रत तो सलमान के लिए रखा था. क्यों? ताकि इसकी शादी हो. अब हो गई ना मुसीबत. Let me ask my तोता रैम्बो. एक तो मेरी दादी की प्रॉब्लम बड़ी है, शकल ऋषि कपूर से मिलती बन के औरत घूमती रहती है. अच्छा चल 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 चल, जल्दी से हमें ना इनकी इनकी भविष्य निकालते हैं. हाँ. ये क्या, सोहेल आ गया, सलमान आ गया, अरबाज नहीं आया. हाँ, मुझे पता है, दबंगों के पैसे गिन रहा होगा. ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है. वो दबंगों के पैसे गिन रहा है, तब तक सोहेल ने फिल्म बना दी, उसके बाद ये पैसे गिनेगा, फिर से वो फिल्म बना दी. करेंसी घुमाते रहते हैं. भविष्य देखेंगे. ये दे 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 दे. हाँ, सबसे पहले लेडीज का. ये कहाँ जाके रुकेगा? पटर 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 पटर. ये वाला अब पढ़ती हूँ. सुन, मेरा तोता रैम्बो क्या कहता है? बताइए. तेरी आने वाली फिल्म सुपर डुपर हिट होगी बालिके. अरे वाह. उसके बाद तेरी आने वाली 7 फिल्में भी लाइन से सुपर हिट होगी, बस शर्ते तू दादी वाला स्टेप करके दिखाएगी, वो भी 7 बार. हायो रब्बा. ये फ्यूचर है, तोता आपके साथ मिला हुआ है. मेरा तोता मेरे साथ ही रहता है. Ha ha ha!
कुछ बचाओ, ये रख, 5 साल के बाद वापस खोल के देखना। बचाना जब बोलती हूँ बचा तो बचाता नहीं है। चल 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 चल, बड़ा बेसब्रा हो रहा है सल्लू। अब मेरे सल्लू की बारी। बालक, तेरे पड़ोस में जो खूबसूरत लड़की बैठी है उसके साथ रोमांटिक सीन कर, बशर्ते वो हीरोइन, वो लड़की तुझसे उम्र में इतनी सी बड़ी हो। अपना नजर लगाई, सलमान की निकल पड़ी। Grab it with both the hands. Let's do the scene. मैं ना यहाँ बैठी बैठी ऐसे मटके बना रही हूँ। गचारा गचारा खट। आप वहाँ से आओगे, आपको मेरा मटका पसंद आ जाएगा। अच्छा। वो बोलेगा मुझे तेरा मटका चाहिए। मैं पैसे देना चाहती हूँ। मैं कहूँगी मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर आप मुझसे पैसे छीनोगे और आप मुझे कहोगे ले ले पैसे ले ले, वरना थप्पड़ मार के भी पैसे दे सकता हूँ। चलो अब इसके बाद का सिचुएशन, आपको मेरा मटका बहुत पसंद आया, उसके बाद हम लोग मटके के इर्द गिर्द गाना गाएंगे। अब के बार बराबर से बजा। चुप चुप जियो। आज के बाद भाई नई हिरन को 400 ही दोगे। सबका चांस आएगा। सफर कर। चश्मा लगा ले दादी, तोते को सही जगह से पकड़। कटर पटर कटर पटर कटर पटर कटर पटर। तोते को पिला दी तूने। तोता रैम्बो कहता है, हाय व्हाट इज दिस। कहते हैं ना कि घर का छोटा सबसे ज्यादा लक्की होता है, ये भी लक्की ही निकला। तुझे तो डायरेक्ट पप्पी मिल रही है रे। छापा लगाएगी छापा। ओके ओके, दादी की दाढ़ी है ना। सुबह बनाती हूँ रात को आ जाती है। सल्लू बेटा, शगुन की पप्पी दे दे। हाँ दादी। अब तो तोता ने भी बोल दिया। बड़े बुजुर्ग कहते तोता का कहा अगर ना मानो तो तोता काटता है। सोहेल, अगर मैं ज्यादा जज्बाती हो जाऊं तो मुझे खींच लेना।